Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी और माइथोलॉजी, इसका अर्थ होता है झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। आप सभी दर्शकों को आपका अपना स्नेह, आपने जो स्नेह दिया हम लोगों को, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी स्नेह आप स्वीकार करिए, क्योंकि हम आपके लिए ये सब कंटेंट लाते हैं ताकि आप लोग उसको यूज करें जगह जगह पे। और रेफरेंसेबल टॉक्स हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें गलत हम बोलने वाले हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं और शायद एक नए तरीके का वातावरण बने, यही पर्पस है सतोलॉजी का। तो आज के शो से शुरू करने से पहले आप लोग बैठ जाइए, अभी आपको आनंद आने ही वाला है, और इसका पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। So thank you all. So let's welcome Professor Kusumlata Kedia ji. Namaste. Namaskar ji, namaskar. Aditya ji ko dhanyavad aur Satology ke sunne wale dekhne walon ko dhanyavad. Kyunki aap log itna adhik dekhte hain to Aditya ji mujhe adhik samay dete hain. Ji ji. और स्वामी जी वाले वीडियो का प्रताप तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आज गजब प्रताप हुआ है। और अब उसमें जो इश्यूज हम लोगों ने उठाए हैं, उसको हम लोग एक मुहिम के तौर पर भारत में ले जाने वाले हैं। जो सनातनियों से अपील था, उसका इतना सुंदर रिस्पांस आया है। कमेंट में तो आया ही है, कुछ लोगों ने फोन करके, जो कमेंट में नहीं लिख सकते हैं वो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो ग्रेटर इजराइल पर जो अपने लोगों का ये तीसरा एपिसोड है, इसमें ज्यादातर बात सुन के आप चौंकेंगे। मैं पुस्तकों से पढ़ूंगी नहीं जैसे यूरोप से पढ़ती हूँ, लेकिन पुस्तकें कुछ दिखा दूंगी मैं आपको जी। एक्चुअली जो हमारा जो एपिसोड था रामेश्वर ऋषि पंकज जी का और आपका और शैलेंद्र जी का, उसके बाद से आपने बिल्कुल सही बोला, मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए हैं बाबा रामदेव के लिए कि हम बाबा रामदेव के शिष्य हैं, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो गई, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। और तो मैंने उनको बताया, और कुछ लोगों ने मुझे गलत बात भी बोली, तो मैंने उनको बोला कि उनसे पहले योग किसने पॉपुलर किया था बताइए। मुझे तो नहीं आता था कोई योग, मैंने हनुमान दंड उनके वीडियो देखकर ही सीखा है कैसे करते हैं, और भी उन्होंने जो सरल उपाय बताए हैं। और जब हम गए थे उनसे मिलने के लिए, हरिद्वार में गया था एक दिन के लिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं तो आश्रमों में रहा हूं तो मुझे मालूम है कैसे लोग आश्रम में रहते हैं, उसी प्रकार का माहौल मुझे लगा वहां पर। तो मैं कन्विंस था उस समय वहां पर जाने के लिए। तो लेकिन आज चलिए इस टॉपिक पे हम शुरू करते हैं इजराइल के पर। तो फिक्स मैच हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर बम फेंके, फिर उसका सब शांत हो गया। और अब इजराइल, अब ईरान कूद कूद के बोल रहा है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब देखिए मामला जो मैं कहने जा रही हूं, सीधे विषय पर आकर, ये जो कल कल के नन्हे नन्हे देश कल कल उगे हैं, हमारे यूपी बिहार में कहते हैं ताजे ताजे टटके टटके, मतलब एकदम ताजे ताजे से है, कच्चे कच्चे, बतिया से मतलब अभी छोटे से है, मैच्योर नहीं हुए। तो ये पूर्ण वयस्क नहीं होने वाले हैं, ये मैच्योरिटी को प्राप्त होने वाले नहीं है, ये टटके टटके ही तोड़ लिए जाने वाले। अब ये बात आप लोग को बहुत आश्चर्य लगेगी, तो पहले तो याद कर लीजिए ये बने कब हैं। कुछ तो 1950 के बने हैं, यानी इनकी आयु 100 साल भी नहीं है, कुछ की 50, कुछ की 60, कुछ की 70, और शतायु को ये प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो क्यों? इस संपूर्ण क्षेत्र में आप किसी कालखंड का इतिहास पढ़ लीजिए, 3-4 बातें नोट कर लीजिए, अरब लोग कभी शासक इस क्षेत्र के नहीं रहे।
और आप चलिए भी और समझा के बोल रही हूँ, अरब लोग इस क्षेत्र के शासक कभी नहीं रहे। ये जो नबी है, रसूल है, पैगंबर मोहम्मद साहब, वो कहते हैं जी बड़ी बड़ी मारधार की और अल्लाह ताला ने भूतों की जिन्नों की सेना भेज दी। तो वो बदर की लड़ाई में 1200 थे, बाकी तो सब जिन्न भूत थे, इनविजिबल थे। तो ये लड़ाई कुल कहाँ हो रही है? ये हिजाज के एरिया में, यानी ये पूरा क्षेत्र हम कहाँ से ले रहे हैं? ईरान से तुर्की। और पैगंबर साहब का राज्य कहाँ है? ईरान छोड़ दो, तुर्की छोड़ दो, इराक छोड़ दो, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, यमन, ओमान सब छोड़ दो, सऊदी अरेबिया आ जाओ, सऊदी एरिया में नजद छोड़ दो, और इधर रसीदी वाला इलाका छोड़ दो जो रेड सागर वाला है, जो पर्शियन गल्फ वाला है। अब केवल आ जाओ लाल सागर, वो कौन सी पहाड़ी है, जद्दा बंदरगाह है, मक्का मदीना तय। इस क्षेत्र में पैगंबर साहब, नबी साहब, रसूल साहब, उसके बाद इनके चार खलीफा हैं, कुल मिला के 70-80 साल का राज्य है। ये कहां पर है? ये सऊदी अरेबिया जिसको कह रहे हैं, ये क्षेत्र और इसके उत्तर का क्षेत्र, नॉर्थ का क्षेत्र जरा सा। और ये चारों के चारों कत्ल किए गए, या आपने पढ़ा ही होगा, एक दूसरे को मारा है, या भेजे हुए लोगों ने मारा है, या किसने मारा है, कत्ल किए गए खलीफा। पैगंबर साहब के लिए भी कथाएं हैं, कोई कहता है पेट में दर्द हुआ, कोई कहता है कुछ खिला दिया, राम जाने क्या। तो उसके तुरंत बाद इन पर शासन हो गया गैर अरबियों का। ये बात पॉपुलर लिटरेचर में मौन के द्वारा छिपा ली जाती है। तो इस पूरे क्षेत्र में अरबियों का शासन नहीं है, किसका शासन है? तुर्कियों का, पर्शियंस का। और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने अपने जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए सबको अरबी कहना शुरू कर दिया। इनको तो अरबी कहना शुरू किया सो किया मुस्लिम के सिनोनिम के रूप में, इसके पहले के कालखंड को भी अरबी कहना शुरू कर दिया। और कहा तो कहा अफ्रीका, जो पूरा अफ्रीका में भी इजिप्ट की सिविलाइजेशन, अफ्रीका में भी जो ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, इसके नीचे जो अफ्रीका है, यानी मेडिटेरियन के दक्षिण और अफ्रीकन महाद्वीप का सबसे ऊपरी वाला पतला सा समुद्र के किनारे का पट्टी, जहां पर वो हैनीबाल है, कार्थेज है, वो पतला सा पट्टी उपजाऊ हरा इलाका है, इजिप्ट में नील नदी का इलाका हरा है, और उधर मोरक्को जो है, कौन सा मोरक्को और यूरोप जहां आपस में मिलते हैं मेडिटेरियन सी के पास, जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास, ये सारे नाम फर्जी है, बात अभी 150-250 साल के रखे हुए नाम। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये चलो अफ्रीकन लोगों का राज्य है, मूर लोगों का राज्य है, ये जो ट्यूनिशिया है, ये दिखाई दे रहा है आप जिब्राल्टर पर फोकस कर रहे हैं, ये करीब करीब सटा हुआ है, यहीं से होके हैनीबाल स्पेन पुर्तगाल कब्जा करते हुए इटली पहुंचा है। और अगर पुराना इतिहास देखें तो ये पूरा क्षेत्र बसाया किसने है? परियों ने। और परियों को ये क्या क्या कहते हैं, फोनिक्स क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अंग्रेजी। तो ये परी लोग कौन है? ये सनातन धर्मी वेद में जिनका उल्लेख है, हाँ, और ये जो भी उच्चारण है वो, ये भारतीय लोग हैं जो यहाँ पर, चूंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, तो यहाँ आके बसे।
बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, खुदाई में राम सीता हनुमान सब और पता नहीं क्या क्या मिलता है। इसको भी 20वीं शताब्दी में उल्लू चर्च वाले माइथोलॉजी फैब्रिकेट करने वाले अंग्रेज और ज्यादातर अंग्रेजों ने, थोड़े से फ्रेंच लोगों ने, इनको भी अरब कहना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से तो हम अंग्रेजों को भारतीय कहे तो क्या हर्ज है, हम संपूर्ण विश्व को ही भारतीय सनातन धर्मी कहे तो क्या हर्ज है। अभी हाल हाल की टटकी टटकी तो बात है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, अरबियों का इस संपूर्ण क्षेत्र क्या वर्तमान ईरान से टर्की तक वाले क्षेत्र पर कभी एक दिन भी इनका शासन नहीं रहा है। इनका अफ्रीका वाले इस पूरे क्षेत्र पर कभी शासन नहीं कहा है। इनको अरबी कह देते हैं क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट अरबी है, सबकी नहीं है ये ऐसा बताते। तब तो अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हो, उनको भी अंग्रेज कह दो क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट और तुम्हारी स्क्रिप्ट भी एक है और लैंग्वेज भी एक है। अमेरिका वाले तुमको कूटेंगे क्योंकि तुम अमेरिका के पूछ हो 1945 के बाद, और पूछ भी हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कृपा से। खैर, तो जो पहली बात मैंने कही, इनका शासन कभी नहीं रहा। अब दूसरी बात कह रही हूं, किसी भी कालखंड में यहां पर नेशन स्टेट नाम टाइप का कोई इकाई कभी नहीं रहा। यहां पर जैसे भारत राष्ट्र है, ऐसा भी कोई इकाई कभी नहीं रहा। कहां? अरेबिया, जिसको आजकल अब सऊदी हटा रहे हैं, अरेबिया कह रहे हैं। अरेबिया जब कहेंगे तो उसमें यमन, ओमान, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, फॉर्डन सब जुड़ जाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में, इसमें से टर्की बाहर हो जाएगा, ईरान बाहर हो जाएगा। ईरान बाहर होने का मतलब इराक भी बाहर हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में राष्ट्र, देश, राज्य, पूरा इतिहास छान मारी, कभी कुछ नहीं रहा। ये जो 80 साल खलीफा खलीफात रहा, ये भी क्या है, कुल कितने प्राणी है उस खलीफा के अंदर? 2-4 लाख लोग भी नहीं। कारण, उस समय का आप जनसंख्या कैलकुलेट कीजिए, लोग के पास आंकड़े वाकड़े कोई लिखित रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो है नहीं, तो कैसे कैलकुलेट कीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितने नखलिस्तान है, कितने कोई पतली पतली नदियां हैं, उन नदियों के बेड्स पे खेती होती है, या मामला दजला फरात वाला है, इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा कुल जनसंख्या 4 खलीफा के अंदर 2-4 लाख में बढ़ा के ही कह रहे हैं। और वो क्या है, कोई एक जगह नहीं है, एक्सट्रीमली स्कैटर्ड और एक्सट्रीमली आइसोलेटेड। कारण क्या है, यहाँ की जो टोपोग्राफी और क्लाइमेट है, जो भू संरचना और जलवायु है, अत्यंत विकट है, मनुष्य छोड़िए जीव जंतु के रहने योग्य नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक चले जाइए, उसका बड़ा सारा इस पर आता है टीवी पर, और बड़ी सारी किताबें उताबें छपी हुई है। तो ये क्षेत्र का भू संरचना क्या है, तपता हुआ रेगिस्तान, नन्ही नन्ही नदी की वादियां और नखलिस्तान, नन्ही नन्ही तो नन्हा नन्हा ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहाँ राज्य और डकैती वकैती चोरी छिनैती नहीं है, बहुत छोटा छोटा मुठभेड़ है। और सामान्यतः तो ये शांति से ही रहते हैं, क्योंकि जहां इतना विषम जलवायु और भू संरचना होती है, वहां अलिखित नियम कायदे होते हैं मनुष्यों के बीच, उसका वो पालन करते हैं, क्योंकि पालन किए बिना
जीवन के अस्तित्व पर संकट है, सर्वाइवल ही पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये नन्हे नन्हे जो सेटलमेंट्स हैं और माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो पशुपालक है, और पशुओं का भी झुंड बहुत छोटा सा है, सेंट्रल एशिया जैसा हजारों वाला नहीं है, अफ्रीका जैसे लाखों वाला नहीं है, सैकड़ों वाला है, या सैकड़ों भी नहीं है तो 50-60 बकरी है, 50-60 भेड़ है, 2-4-10 ऊंट है, इस टाइप का है, गधे हैं कुछ, तो एक आध खच्चर भी होंगे कुछ। तो ये जो क्षेत्र है, राज्य और देश बनने के लिए एक साइजेबल पॉपुलेशन चाहिए भाई, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पर तो म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया बनता है, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,00,000 पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है। राज्य वाज्य बनने के लिए 20-30 लाख, 50 लाख की तो जनसंख्या चाहिए ना भाई, और वो जनसंख्या एक जगह चाहिए ना भाई, तब तो राज्य वाज्य बनेगा। और मॉडर्न टाइप का राज्य तो कब बना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटर वॉर पीरियड से शुरू हुआ और 1960 तक चलता गया है। अब सबका डिटेल मैं नहीं बता रही, तो ये बताने के साथ मैं क्या बताने जा रही हूं कि राज्य, राष्ट्र, देश, स्टेट, नेशन, गवर्नेंस इनके न स्वभाव में है, न इनकी स्मृति में है, न इनके अभ्यास में है, न इनके परंपरा में है, न इनके ट्रेडिशन में है, न इनके इतिहास में है, न इनके किस्सों में है, न इनके कहानियों में है, न इनके दंत कथाओं में है, न इनके गीतों में है, न इनके उपन्यासों में। राजा रानी कहां पर है, जिसको आज ईरान कहते हैं, पर्शिया में, पर्शिया जो जिसको आज का ईरान का पूर्वी क्षेत्र है, बीच में पहाड़ वहाड़ का मामला है, ये तो भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र तो सदा राज्य के अधीन रहता है। अराजकता को नागरिक जीवन के लिए अभिशाप बताया गया है, कारण बड़ी बड़ी जनसंख्या एक स्थान पर है, इसको नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत से हैंडल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए राज्य नामक संस्था चाहिए। तो अब इस क्षेत्र में नेशन स्टेट, टाइनी नेशन स्टेट, आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट बने, बने नहीं, बनाए गए किसके द्वारा, उनके द्वारा जो इनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इनको लूटना चाहते थे, इंग्लैंड और फ्रांस, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या लूटना चाहते थे, पेट्रोल। अब ये भी कमाल की बात है कि पेट्रोल तो यहां सदा ही से था, उपयोग तो होता ही था, ये चर्च वाले काफिरों को इस्लाम की 14वीं शताब्दी में अल्लाह ताला ने बता दिया, और बताने के साथ ये क्षेत्र खंड खंड में तोड़ दिया गया तेल के कुओं पर कब्जा के लिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंग्लैंड और फ्रांस की हैसियत कंगालों की हो गई, तो इस क्षेत्र का चौकीदारी, पुलिसगिरी, थानेदारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ले लिया, जबरदस्ती नहीं लिया, इनके कंसेंट से लिया। इनके किसके कंसेंट से, ये जो 1900 या 1516 उस वक्त होंगे, नन्हे नन्हे टाइनी यूफीमेरियल आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल नेशन स्टेट के कंसेंट से, तुमको मार कौन रहा था, ये आपस में इतनी बुरी तरह सांप नेवला, कुत्ते बिल्ली या बिल्ली चूहे की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे से रक्षा के लिए इनको अमेरिका के थानेदारी की जरूरत थी। और 1973 में तो बाकायदा सिक्योरिटी
इन एक्सचेंज ऑफ ऑयल का ट्रीटी हो गया था। तो ये दूसरी बात जो मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि यहाँ कभी नेशन स्टेट राष्ट्र वास्ट्र नहीं था, क्योंकि उतनी साइजेबल पॉपुलेशन नहीं थी, और जब टाइनी नेशन स्टेट बनाए गए बाहरी लोगों के द्वारा, इनकी इच्छा अनिच्छा का कोई मतलब ही नहीं था। अगर उस समय का इतिहास आप देखें, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज स्टुपिडिटीज, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज स्टुपिडिटीज। इस पर अभी हम आएंगे इस किताब के द्वारा। बहुत ही मजेदार बात मैं बताने जा रही हूं। तो और तीसरी बात जो मैंने इंट्रोड्यूस की, इनमें आपस में भीषण भयंकर लड़ाई, मैंने सतोलॉजी पर 3 टॉक किया है इस्लाम की विदाई के कारण में, तो कारण संक्षेप में बता दें, भाषा की लड़ाई। ये मुश्किल से 10-20 करोड़ लोग यहाँ हैं, ये आपस में एक दूसरे की भाषा न समझते हैं, न बोलते हैं, न समझना चाहते। एथनिसिटी की लड़ाई, इसका हिंदी शब्द मेरे पास नहीं है, ट्राइबलिज्म और क्या क्या, इनके जो मजहबी फिरके हैं, फिरकों की लड़ाई, लोकैलिटी की लड़ाई, और जो नए नेशन स्टेट बन गए हैं, ये आर्टिफिशियल बाउंड्री तो है ही है, लेकिन डेलीबरेटली ऐसी आर्टिफिशियलिटी है जो कलह का कारण है। और इसी कारण से पिछले 70-80 साल में इन लोगों ने एक दूसरे को 2-4 करोड़ को बहुत बेरहमी से मारा है, और 1990 के बाद तो बेरहमी टीवी में वीडियो में ये खुद ही जारी करते हैं किस बेरहमी से मारते हैं। तो अब मैंने इस क्षेत्र की तीसरी बात क्या इंट्रोड्यूस की, आपस में भीषण बिखराव, कलह, ईर्ष्या, मिसट्रस्ट, और एक दूसरे को समाप्त कर देने का हल्ला। हम तुमको लाल सागर में डुबो देंगे, हम तुमको जमीन से साफ कर देंगे। सद्दाम हुसैन कह रहा है इराकियों को, ये कीड़े मकोड़ों की फौज चली आ रही है, तो इनको कीड़े मकोड़ों की तरह मार दो, जैसे अपने लोग मच्छर मारने के लिए किसी समय फ्लिट किया करते थे पंप से, और आजकल वो हिट विट चलाते हैं कॉकरोच मारने के लिए, मैं नहीं करती हूं। तो सद्दाम हुसैन ने इन पर मस्टर्ड गैस ही डाल दिया, सद्दाम हुसैन ने कुर्दों पर भी कोई रासायनिक हमला गैस वैस से मारा मूरा। एक दूसरे की ह्यूमैनिटी को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं। ये यहूदी को स्वीकार कर लेंगे, ये इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को अपना थानेदार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे को नहीं। शिया सुन्नी का जो झगड़ा, इसमें बहुत सारे नाम है, मैं सबका नहीं ले पाऊं। तो मैंने 4-5 बात क्या कही, 4-5 बात मैंने कही कि भाई एक तो नेशन स्टेट नाम की कोई बला नहीं है यहाँ, दूसरा अरबियों का कभी कोई शासन नहीं रहा, तो अभी जो इतना चल रहा है अरबी अरबी अरबी, तो ये फॉल्स नरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, तो सर्फ वंस ऑन पर्पस, और ये ओन्स पर्पस बदलता रहता है, तो नरेटिव भी बदलता रहता है। अब भारत का मीडिया जरा 20-25 साल पुराने नरेटिव में रहता है, लिखने पढ़ने का काम भारतीय इंटेलिजेंसिया ने छोड़ दिया है, लेकिन भारत के बौद्धिक तो लगातार कर रहे हैं। इंटेलिजेंसिया अलग कैटेगरी है, बुद्धिजीवी और बौद्धिक अलग कैटेगरी है, तो मीडिया वाले वो बुद्धिजीवी वाली कैटेगरी में बुद्धि का पैसा खाते हैं जो भी। तो अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है ये कौन सा जन है, रॉबर्ट डी कैप्लान, जिनकी कई पुस्तकें मैंने आप लोग को दिखाई है, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, मानसून, क्या 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 क्या, ये एकदम लेटेस्ट किताब है जो अभी दिसंबर में मैंने दिल्ली में खरीदी, ये छपी है 2023 में। नाम क्या है,
बिटवीन एम्पायर एंड एनार्की फ्रॉम द मेडिटेरियन टू चाइना। अभी तो हम इतना ही हिस्से को ले रहे हैं, फिर थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए द लूम ऑफ टाइम, समय के चरखे पर, मुख्य पुस्तक का नाम है। सब टाइटल ऊपर दिया है, नॉर्मली सब टाइटल नीचे दिया जाता है। बिटवीन एम्पायर एंड एनार्की, या तो साम्राज्य है या एनार्की है। नेशन स्टेट शब्द टाइटल से गायब है और टाइटल में दो शब्द डाले गए हैं, एम्पायर। और पूरी पुस्तक में आर्ग्यूमेंट क्या है कि साहब इन लोग, ये लोग अमेरिका से थक रहे हैं, चीन के नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि चीन उनको डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है। चीन कौन? कम चीन नहीं, कम्युनिस्ट रेजिम ऑफ शी जिनपिंग, इसको ये चीन कहते हैं। लेकिन ये दोनों एकदम फर्क है। चीन तो बेचारा शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट रेजिम में करा रहा है। खैर, तो ये जो कम्युनिस्ट रेजिम शी जिनपिंग का है, ये इसके बहुत पास आ रहा है, ब्रैकेट में अरबियों के, और ये लोग उसके साथ कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है, वो गवर्नेंस की बात नहीं करता है, वो फ्री स्पीच की बात नहीं करता है, वो लिबर्टी की बात नहीं करता है, वो ह्यूमन राइट की बात नहीं करता है। अरे वो काहे करेगा, वो तो सबका गला निचोड़ता है। तुम लोगों से भी बहुत भद्दे ढंग से हम लोगों ने चाइना पर दो तीन टॉक किया है। तो ये आगे कह रहा है रॉबर्ट कैप्लन कि एम्पायर शब्द यूरोप और अमेरिका के लोगों में थोड़ा गिल्टी कॉन्शियंस पैदा करते हैं। इट हैज बिकम अ डर्टी शब्द, थोड़ा भद्दा शब्द हो गया है। किंतु इन लोगों को मतलब जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रेटर इजराइल क्यों आ रहा है, तो इन लोगों को कोई भद्दा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इनकी स्मृति में ओटोमन एम्पायर है, इनकी स्मृति में वो हारून रशीद है, बगदाद वाला, 9th century वाला। तो इनको एम्पायर अच्छा लगता है। इसके साथ पहली बार मैंने अमेरिकन ऑथर को, यूरोपियंस ने तो इस पर लिखा हुआ मैंने कम पढ़ा है, कहता है कि ये नेशन स्टेट वगैरह तो साहब आर्टिफिशियल हैं, उन लोगों ने बनाया था तेल वेल के लिए और वही सी लेन को खाली रखने के लिए, और बड़े भद्दे ढंग से बनाया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके कारण कैसा भयंकर मार काट हो रहा है, नेशन स्टेट के कारण मारकाट हो रहा है। ये हमने एक टॉक में किया है, ब्रीफ में आज बता रही हूं। ये कह रहा है कि साहब चूंकि आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है, आर्बिट्रेरी बाउंड्री लाइंस है, आधा पॉपुलेशन इधर है, आधा पॉपुलेशन इधर है, एक भी नन्हे से नेशन स्टेट में भी होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं है, नेशन है ही नहीं। There are many nations in one tiny state. और वो tiny state का जो runner है, जो driver है, जो governance है, जो government है, जो state runner है, वो सबसे बड़े minority में है। तो इस artificial arbitrariness, इस deliberate creation of inimical elements at one place requires एक्सट्रीमली रेप्रेसिव रेजीम। फिर उसका विस्तार से वर्णन कर रहा है रॉबर्ट कैप्लन। मैं कहूंगी ये पुस्तक थोड़ा, जिन लोग को ज्यादा रुचि हो वो लोग इसको खरीद लें और पढ़ लें, शायद महंगी भी नहीं है, 999 रुपए की किताब है और मोटा मोटा प्रिंट है, पढ़ने में भी आनंददायक है। तो मैं तो कहूंगी भाई ऐसी किताबें थोड़ी मोटी प्रिंट में छापा करो, सीनियर लोगों को पढ़ने में सुविधा हो।
खैर, तो ये बता रहा है कि चाहे सीरिया का असद है और कहां का बसर है और कहां का कौन है, इन लोगों ने कैसी भयंकर रिप्रेसिव रेजीम रखे हैं, किस तरह से अपने नागरिकों का कत्लेआम किया है। स्टेट और राज्य का काम तो नागरिकों को सुरक्षा संपोषण संवर्धन देना है, और यहां किस तरह से कत्लेआम किया है, किस तरह का टेरर रेजीम है, बात की बात करता है और बहुत सारी बात करता है। और इस टेरर रेजीम का जो मार काट है वो कम्युनिस्टों से टक्कर लेता है, लेगा ही, पुरानी आदत है नबी साहब के बाद मार काट की, ईर्ष्या जेलेसी एनिमिटी शत्रुता दुष्टता इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है पिछले 1200 साल में इस क्षेत्र में। और साथ में उसको मिल गया है, ये पुस्तक बता रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मार काट अधिक ब्रूटल अधिक घिनौनी, और इन लोगों ने उसमें इस्लाम भी मिला दिया है, तो घिनौनापन कुछ मिडिवल चर्च टाइप प्रोपोर्शन ले लेता है, और वो इसका वीडियो बना बना के भेजते। अब अगली बात, क्यों ग्रेटर इजराइल आ रहा है और ये क्यों ताजे टटके टटके मियां स्टेट जा रहे, क्योंकि नए नए कुकुरमुत्ते बने जिनको शासक बनाया, शासन न उसने किया न उसके बाप दादा ने किया, न उसके खानदान में हुआ, न उसके कुल में हुआ, न उसके अड़ोस पड़ोस में हुआ, न उसको शासन का कोई स्मृति है, न परंपरा है, न इतिहास है, न कथा है, न पुस्तक है, न लोग हैं। तो कर क्या रहे हैं, गाल बजाना। लेटेस्ट इजराइल इरान 1979 से शाह रजा पहलवी कौन उनका राजा था जिसको अमेरिकन पेट्रोनिस था उसको मार के भगाया, वो रेवोल्यूशन क्रांति क्या करके भगाया, और 79 से गाना गा रहा है ईरान की हमको न्यूक्लियर होना है न्यूक्लियर होना है न्यूक्लियर होना है। 79 से दुनिया भर का सैंक्शन उस पर ला दिया गया, सैंक्शन लादने से भी नहीं माना, सैंक्शन तो बाद में लादा गया, दूसरा काम क्या किया, अमेरिका के उन लोगों को होस्टेज बनाया कितने दिन, और फिर क्या क्या दुर्गति किया। यानी हम लोग के यहाँ एक जीव होता है छछूंदर, चूहा टाइप का, चूहा से बड़ा होता है, और रात चूहा निकलता है तो बड़ा निःशब्द, छछूंदर निकलता है तो चीची 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 रात को करता हुआ चलता है। तो ये छछूंदरों की तरह ची ची करते हुए जाके भिड़ किससे रहे हैं, कोबरा से या अजगर से या बिल्ली से, जिसके तुम भोजन हो, ये जाके भिड़ रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका चुरा बैठा ये होस्टेज वाले मामले से, शाह रजा वाले मामले से, तो इन पर तरह तरह के सैंक्शन लाद रहा है, फिर यूरोप वाले लाद रहे हैं, फिर दुनिया से हल्ला करके लदवा रहा है, फिर इराक से भिड़ा दे रहा है। तो अरे भाई तुम न्यूक्लियर होके करोगे क्या, इस सैंक्शन का मतलब क्या है, छोटे बच्चे कुपोषण से मर जा रहे हैं फटाफट, 10-5 साल में कुपोषण का असर एडल्ट स्त्रियों पर पड़ रहा है, स्त्रियां कुपोषित हो रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बच्चे कमजोर हो रहे हैं, और 10-5 साल में कुपोषण का असर एडल्ट्स पर और ओल्ड मेल्स पर आ रहा है। और जब लड़ाई हो रही है इराक के साल 9 साल वाली लड़ाई, उसमें शैलेंद्र भैया ने बहुत विस्तार से बताया,
अपनी स्टैंडिंग आर्मी को नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं, 15 साल 16 साल के कुपोषित बच्चों को फ्रंट पर भेज रहे हैं, जिनको सद्दाम हुसैन कीड़ा मकोड़ा कह के मस्टर्ड गैस से मार रहा है। मार रहा है ये कहना तो बड़ा सरल सा, इसका वर्णन करूंगी तो आगे बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इसका वर्णन नहीं कर रही हूं। तो इनकी जो अगली समस्या है, जिसके कारण ये ताजे टटके टटके देश बतिया तोड़ दिए जाएंगे, ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे, जगह साफ हो जाएगी और नेशन स्टेट की जगह पुनः एम्पायर आ रहा है। किसका एम्पायर? भाई मुझे तो सारे लक्षण ग्रेटर इजराइल के दिख रहे हैं। अभी रुके रहिए, तो ये जो गाल बजाने वाली आदत है, मार दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा, साफ कर दूंगा, अरे तेरे बात करते करते इजराइल कहां से कहां पहुंच गया? इजराइल इजिप्ट से हाथ मिलाया, किस इजिप्ट से? जिस इजिप्ट ने 3 बार उस पर आक्रमण किया, 48, 67, 73। अरे सीरिया, जॉर्डन, लेबनान में औकात थोड़ी थी इनके पास, तो वो आर्मी थी ना जो अंग्रेजों ने ओटोमन एम्पायर से निकाल के थोड़ी दिलवा दी थी। असली युद्ध तो इजिप्ट ने किया था, पुराना देश है। अरबी कहने से वो अरबी तो नहीं हो जाएगा, घोड़े को खच्चर कहने से, मिस्त्री लोगों को अरबी कहने से वो खच्चर नहीं हो जाएंगे, वो घोड़े हैं, पुराने घोड़े हैं, वो सब पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, पुराना मारधाड़ है, पुराना राज्य व्यवस्था है, पुरानी रानियां है, क्लियोपेट्रा है और कौन कौन है। लेकिन इजराइल ने खटाखट हाथ मिलाया, ये तो लल्लू है, समझेंगे नहीं बात, वो स्टेट वाला है, वो बात समझेगा। अनवर सादात आता है और इजराइल के संसद में कहता है, हम क्यों लड़े भाई इन अरबियों के लिए, ये तो हमको खर्च नहीं करते, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, और ये क्या कह रहे हैं, फेंक देंगे, काट देंगे, अनवर सादात से बात नहीं करेंगे। कैप डेविड हो जाता है, बात नहीं करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपस में डर रहे हैं कि अरे अभी तो इजिप्ट गया, इजिप्ट के सामने जॉर्डन, लेबनान, सीरिया की औकात क्या है, पिद्दी पिद्दी पिद्दी, इनमें कौन इजराइल के साथ मिल चुका है। मिसट्रस्ट, किस देश का नेता, शासक या विपक्षी, ये भी इंग्लैंड का बड़ा मजेदार खेल है, एक शासक है एक विपक्षी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज 38 मिनट हो गया, थोड़ा और तेज कर रही हूं। तो ये जो गाल बजाने वाले हैं, यही तो सबसे पहले दोस्ती करते हैं। ये सऊदी अरेबिया जो इनका लीडर है, अरबी लोगों का मक्का भी वही है, मदीना भी वही है, अरबी भाषा का गढ़ भी वही है, नबी का जगह भी वही है, इस्लाम का जगह भी वही है, ये क्या कर रहा है? यहाँ का शासक कौन है जिसको इंग्लैंड और फ्रांस ने लाके बनाया? बहाव लोग, बहाव लोग कौन है जिनको मक्का मदीना वाले और वो रसीदी सब कह रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, शैतान है, उसको पूरे इलाके का मालिक बना दिया। मालिक भी कहता है मार देंगे, काट देंगे, किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। जब 1973 में तेल का दाम इन लोगों ने चौगुना बढ़ाया, तो इसी सऊदी अरेबिया से यूएसए ने शेक हैंड किया। क्या शेक हैंड? कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, किससे देंगे? जिसको तुमको मारना काटना है, तुम हमको तेल दे देना। बोला ठीक है जी। फिर सद्दाम हुसैन किस पर चढ़ बैठा? कुवैत पर चढ़ बैठा, मार देंगे, काट देंगे, कुवैत हमारा है, वो क्षेत्र मिलता भी है, वहां तेल ज्यादा है, ये क्षेत्र हमारा है। ईरान ने कहा नहीं नहीं तुम्हारा नहीं है, हमारा है। कुवैत पर सद्दाम हुसैन चढ़ बैठा, अमेरिका आ गया किसके लिए? कुवैत की रक्षा के लिए। किससे? सद्दाम हुसैन से। और कुवैत की रक्षा के लिए सद्दाम हुसैन से लड़ने कौन आ गए? अरबी मियां लोग आ गए। सद्दाम हुसैन की कुटाई पिटाई में ईरान अमेरिका के साथ था।
ईरान की लड़ाई में, बाकी अमेरिका के साथ, इज़राइल के साथ है। तो इन लोगों का जो गाल बजाने का आदत है, एक साथ ये भिड़ गए 2000 से अमेरिका के साथ, वो ट्विन टावर वाला जो मामला किया, उसकी दुनिया भर की एम्बेसी पर जो बम फम फोड़ा, यानी पटाखे फोड़ के, फुलझड़ी फोड़ के, वो हम लोग जो बोतल में रॉकेट लगा के रॉकेट उड़ाते हैं, वो रॉकेट उड़ाकर तुम उससे पंगा ले रहे हो जिससे रूस नहीं पंगा ले पाया, जर्मनी नहीं ले पाया, चीन नहीं ले पाया। जरा अपनी औकात तो देखते दर्पण में, जरा डिप्लोमेसी तो सीखते, जरा वॉर प्रिपरेशन तो करते, जरा अपनी सोसाइटी को होमोजीनियसली तो बांधते, जरा खाने पीने रसद का तो प्रबंध करते, जरा दो चार देशों से आर्मामेंट सप्लाई का तो प्रबंध करते, और जो तेल का इतना पैसा रखा था आया, उस पैसे को संजो के तो रखते, ये तो सब हवा में उड़ गया। यानी गाल बजाना एक चीज है और लड़ना दूसरी चीज है। तो गाल बजाना एक चीज है और वास्तविक लड़ाई करना दूसरी चीज है। अब एक अगली बात कहें, इनके यहां स्ट्रीट पर जो लोग हैं, जिनको ये मिलिशिया कहते हैं, डेमोक्रेसी के इच्छुक लोग कहते हैं, अरब स्प्रिंग वाले लोग कहते हैं, ये तो झंडा उठाए रहते हैं यूरोप और अमेरिका के खिलाफ। कौन है ये लोग? नॉन स्टेट प्लेयर। और इनको पैट्रोनाइज कौन करता है? दो एक ये टटके देशों के टटके टटके ताजे ताजे नए नए गवर्नेंस के ड्राइवरी सीट पर बैठे हुए, जैसे ईरान में खोमैनी, वो अयातुल्ला खोमैनी वाले टाइप के लोग। तो कभी भी नॉन स्टेट प्लेयर स्टेट से कैसे लड़ लेगा भाई? और स्टेट भी कौन? अमेरिका जैसा स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत गड़बड़ियां है, बहुत कमी है, उसके पेट में बहुत दर्द है। है तो हाथी ना भाई, चूहा तेरे लिए, उसका तो आड़ा टेढ़ा पैर तेरे पर पड़ गया तो तेरा क्या होगा। साथ में तू लड़ लेता है फ्रांस से, इंग्लैंड से, भारत से, आपस में बुरी तरह लड़ रहा है। तो नॉन स्टेट प्लेयर टूल होता है, योद्धा नहीं होता है। नॉन स्टेट प्लेयर स्टेट के इशारे पर कत्ले आम कर सकता है नागरिकों का और स्टेट के विरोधियों का। और जब नॉन स्टेट प्लेयर टूल का उपयोगिता पूरा हो जाता है, क्लीन, अलकायदा आउट, तालिबान आउट, आईएसआईएस आउट, हमास की चटनी, हिजबुल्ला उजबुल्ला, हुती फूती जब तक काम करेंगे अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस का तब तक रहेंगे, उसके बाद आउट। ये अभी रूस में वैगनर वाले जो थे, जरा सा दाएं बाएं किए तो उसके मुखिया का क्या हुआ। स्टेट के पावर के आगे नॉन स्टेट प्लेयर की पावर, और नॉन स्टेट प्लेयर जिसका स्टेट क्राफ्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो मिसट्रस्ट, हेट्रेड और वॉयलेंस पर आधारित है, वो है भुनगा दिवाली के दिए पर भन 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 करके आता है, लगता है न्यूसेंस लेकिन नियति सवेरे तो सब चिड़िया लोग का भोजन है। तो मैंने 45 मिनट में जो बताया वो ये बताया कि ये जो ताजे टटके कच्चे बतिया से 19 स्टेट हैं यहाँ नन्हे नन्हे, दे आर गोइंग, रॉबर्ट कापलान इज सेइंग दे आर डिमांडिंग
an empire. They want good living. They want comfortable living. They want education. They want good road. They want security. Israel will provide everything. अभी जो पैक्ट हुआ है अब्राहम एकॉर्ड, वो किसके साथ हुआ है? यूएई और बहरीन के साथ. सूडान मोरक्को आके जुड़ गए हैं. सऊदी अरेबिया को जुटना था और जोर्डन फोर्डन से भी दुनिया भर का पैक्ट वैक्ट है. सब जुड़ जुड़ा के ये क्षेत्र साफ हो जाएगा. भाई मैं तो जरा आराम से कहूंगी, मेरे जीवन काल में 14 साल में हो सकता है ऊपरी ढांचा स्टेट वाला दिखता रहे, और 2-4 साल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 14 साल तक ये जो बनना है, क्या भारत मिडिल ईस्ट यूरोप का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, ये जो तेल की लाइनें, जो पाइप की लाइनें, जो सी लेन्स, जो रोड, जो रेलवे, जो एयरपोर्ट, मतलब क्लियर एयर स्पेस जो होना है, हो सकता है एकॉर्ड वो कार्ड के माध्यम से 2-4 साल में सलट जाए, और फिर एक फाइन डे ऐसी 2-4 किताबें और आ जाएं. ये लोग बहुत शांति से, प्रेम से, सह अस्तित्व के साथ पुरानी घृणा को, पुराने बैर विरोधों को छोड़कर मैच्योरिटी के साथ रह रहे हैं. ये तो नरेटिव का खेल है. जैसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया, कीमा बना दिया, डेमोक्रेसी. फिर टुकड़ों को एक करके जगह साफ, क्लीन साफ हो गया. तो अब क्या कहा? गुड लिविंग, सिक्योरिटी, एजुकेशन, विमेन राइट, सब मामला साफ. तो इज़राइल तो एक तरह से आ चुका है, क्योंकि ऐसी किताबें तब छपती है जब काम हो चुका होता है. काम हो चुका है, अब लाइन फाइन खींची जाएगी या मिटाई जाएगी या देखा जाएगा. कारण ये जो पाकिस्तान तो न्यूक्लियर था ना भाई, ये तो न्यूक्लियर सप्लाई उप्लाई करता था. तो इन बेचारे को तो तुम लोग नहीं गिन रहे हो. अरे ईरान को न्यूक्लियर चाहिए था, पाकिस्तान को बोलता भाई तुमको सेना को, हम तुम्ही को राष्ट्रपति वगैरह बना देते हैं, सब न्यूक्लियर इधर भेज दो, हम पेट्रोल का पैसा तुमको दे देते. अगर न्यूक्लियर था तो ये सीधा सा करप जो बाजार में सामान दिखता है, हथियार खरीदते हो, न्यूक्लियर भी खरीद लेते, इतना सैंक्शन काहे झेले भाई. तो ऐसे गधे, ऐसे लल्लू नेताओं के भरोसे राज्य संचालन तो नहीं होता है. खलीफागिरी होता हो तो मुझे पता नहीं. तो इज़राइल तो, ग्रेटर इज़राइल तो बन चुका है, सूक्ष्म में नहीं, कागज पर. अब सही सही समय पर सही सही घटनाएं नरेटिव के साथ दिखने लगेंगी. जैसे मक्का में एक दिन हम लोगों ने, मदीना में एक दिन हम लोगों ने स्मृति ईरानी को देखा, हम लोगों ने इस रामनवमी पर शेख लोगों को मंदिर में प्रसाद लेते देखा, और साल भर पहले वो शेख मियां लोगों को सिर पर रामायण ले जाते हुए देखा. ऐसे ही किसी दिन देखेंगे हम लोग आपसी वैर विरोध को भुलाकर, संकुचित राष्ट्रीयता की लाइनों को मिलाकर,
सुख आनंद और मानवता के साम्राज्य में हम लोग रह रहे। जी आदित्य जी, आदित्य जी एक्चुअली मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि आप, तो मैं इधर इकोनॉमी लोगों की दिखा रहा था, इकोनॉमी लोगों की जो इकोनॉमी जो इनकी दिखती है वो दिखती है जैसे इन सब की इकोनॉमी का टोटल ऐड कर दें तो टोटल इकोनॉमी इनकी आती है करीब, बोलते हैं कि $5 trillion की, है ना। अच्छा $5 trillion तो इतने सारे देशों में बहुत ही कुछ दिखना चाहिए, कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो आप इजिप्ट में चले जाएं, इजिप्ट में तो इजिप्ट में कायरो के बाहर आप निकल ही नहीं सकते गाड़ी से, कहीं पे कुछ है ही नहीं जी, सब हवा में है जी। तो ऐसा है, ये बही खाते का खेल है जो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कभी बैठेंगे इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे और ये बड़ी सीधी सीधी भाषा में बही खाते के खेल को हम बता देंगे, क्योंकि मैं तो मारवाड़ी परिवार से हूं, तो ये बही खाते का जमा और क्या कहते हैं नामे और जमा पूरा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये अपने श्रोताओं को समझा दूंगी, कौन 5 है, कौन ट्रिलियन है, कौन बिलियन है, कौन मिलियन है, और एक नरेटिव में सार चिकना। हम तो सादगी से जीना चाहते हो गया, ट्रिलियन उलियन हवा होगी। अच्छा, आप अभी आज देख रहे होंगे कि कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्कूल्स में, अमेरिकन स्कूल्स में इन लोगों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह, इजराइल अगेंस्ट इजराइल, और तो बहुत देख रहे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, मुझे उसकी बिल्कुल भी डिटेल पता नहीं, लेकिन दुनिया में जो होता है वो मैं बता रही। जैसे इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड, इजराइल ने इंग्लैंड ने पेट्रोनाइज करके खड़ा किया, हमास को इजराइल ने खड़ा किया यहूदियों ने पीएलओ के खिलाफ, चीन के में माओ से तुंग को चांग काई शेक को भगाकर शासन यूएसए ने दिलवाया, चांग काई शेक को हथियार रूस देता था जो कम्युनिस्टों का शासन चाहता था। तो ये सब तो सामान्य खेल खिलवाड़ चलते ही हैं, बहुत से को पाला जाता है, बहुत से हल्ला कराया जाता है, फिर वो हल्ले से काटा मारा जाता है। जैसे ये मियां लोगों के टेरर का जैसा हल्ला यूरोप और अमेरिका ने मचा रखा है, वैसी कोई भी औकात इनके पास है क्या? नहीं है। अगर होती तो 73 में सिक्योरिटी फॉर ऑयल का क्यों होता, ये अब्राहम एकॉर्ड क्यों होता, ये पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके क्यों घूमता, ये 5 trillion होती तो गाजा वाले इजराइल के रहमो करम पर क्यों होते? तो ये तो बहुत से खेल खिलवाड़ चलाए जाते हैं, तो उसका डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन होगा इसी फ्रेमवर्क के भीतर। या कहीं तो इसका फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ के और कुछ चंद थाउजेंड स्टूडेंट्स ही होंगे, कुछ फ्यू थाउजेंड, जिस जो ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है, एंड जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस में आजकल, उसका न्यूज इतना फैला है और सारी क्लासेस ऑनलाइन मूव कर गई है सारी की सारी, तो उसका अगेन मीडिया नैरेटिव है। मुझे इसका सच मुझे कुछ समझ में नहीं आता लॉजिकली। जैसे ओसामा को अमेरिका ने खड़ा किया, इसके 4-5 प्रयोजन हो सकते हैं, ये हल्ला करवा के देखना आपकी पब्लिक ओपिनियन किधर जा रही है। हाँ। या हल्ला करवा के इनको न्यूसेंसिकल सबके मन में बैठाना कि भाई निहायती न्यूसेंसिकल है ये लोग, इनको तो जड़ से ही साफ कर दो भाई, क्लीन इट,
वी वांट टू लिव इन पीस, ये भी तो हो सकता है ना. करेक्ट. जैसे जैसे ये मेंढक जो टर्राते नहीं है बहुत टर 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 बरसात में, तो माओ उनको खत्म करवा देता था, तो हवा देके मेंढकों को टर 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 करवाया करवा रहे हो शायद. पांच सात में कोई भी हो सकता है. तो देखो भाई, सबका जीव उपजाए, इनको साफ करो. जैसे जिसको अरब स्प्रिंग कह के टाइम मैगजीन तक ने वाहवाह किया, उसमें कुल क्या किया गया था, जो यूरो अमेरिकन विरोधी रेजिम थे उनको हटाकर कट्टर मियां लोगों को ला दिया गया, टेरर वालों को, और कहा गया साहब डेमोक्रेसी की लड़ाई है. तो ये सब खेल खिलवाड़ चलते रहे. बिल्कुल सही बोला आपने. आपने पॉइंटर्स भी अच्छे दिए और मुझे भी उस पर सोचने का मौका मिलेगा, जबकि मैं बाकी चीजें ज्यादा सोचना चाहता हूँ, हरिनाम और इस पे ज्यादा सोचना चाहता हूँ. वही सोचिए, ये सब फालतू बात सोचने के लिए हमारे जैसे कई लोग हैं जिनको सोच के बकबक करके मजा आता है. इसमें आनी जानी क्या है. काल के गाल में सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं. नहीं, बट आपको सुन के, आपको सुन के बहुत पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, क्योंकि आप इतिहास पे छू रहे हैं. तो अब मेरे को एक क्या पर्सपेक्टिव मिला आपकी बात सुन के, कि ये एक बड़ा स्टेट लेवल का गेम हो सकता है जो लोग खेल रहे हैं, और दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटिंग समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन विच वी डोंट नो, और उन्हीं को लोगों को मालूम है क्या इमरजेंसी है क्या नहीं है, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग. लेकिन इतना बड़ा स्टेट मशीनरी अमेरिका में होकर, काउंटी पुलिस, स्टेट पुलिस, नेशनल गार्ड, वो सब होते हुए भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एंड दे आर सीइंग पीपल गेटिंग फ्राइड, लोग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ट्विटर पूरा भरा पड़ा है आजकल. लेकिन बिकॉज दे आर इन कंट्रोल, दे आर नॉट पैनिकिंग, दे आर इन कंट्रोल. हाँ 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 हाँ. जैसे भारत में वो होटल ताज वगैरह पर जो आक्रमण हुआ था पाकिस्तानी का, जिसमें एक लड़का वो पकड़ा गया था कसाब, और वो सभी तो स्टेट स्पॉन्सर्ड था ना कांग्रेस सरकार का. करेक्ट. तो ये सब तो होता रहता है ना. यस. अपने ही देश पर अपने ही जुगाड़ से आक्रमण करवाना, जैसे तिब्बत पर भारतीय फौज भेज के तेल और चावल भेज के नेहरू ने कब्जा करवाया था. That's right. That's right. अपने ही देश में, अपने ही हिस्से में. तो ये बड़े सारे गेम होते हैं, कई बार चढ़ा के मारने के लिए उकसा के खड़ा किया जाता है कि देखो भाई अब हद से ज्यादा ये सब जा रहे हैं. क्वाइट दे. तो अभी जो चल रहा है मेरे हिसाब से परमानेंट इलाज का जुगाड़ चल रहा है, नहीं तो ऐसी बातें छापी नहीं जाती. करेक्ट. ये तो स्टेट डिपार्टमेंट के वो कौन सी फाइल होती है ना, ये वाली फाइल है, वो वाली फाइल है, 50 साल बाद खुलेगी, वो सब टाइप चीज है. तो ये छाप दिया गया है, मतलब वो अब आ गया है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो. अब जैसे मुझे पढ़ के तैयारी हो गई कि काम हो गया है. जैसे एक बार कुछ हो रहा था, टीवी में आ रहा था, तो पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो बहुत डर है साहब कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल आतंकवादियों के हाथ में ना जाए. हमने कहा उठ गया यहां से साहब, उठा ले गए हैं इजराइल वाले, अमेरिका वाले, तो अब बता रहे हैं कि साहब बहुत भय है आतंकवादियों के हाथ में ना जाए, कि भेद खुले भी तो कहा जाए कि गया. अमेजिंग, अमेजिंग, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग. ग्रेट. अरे आप तो महाभारत के अध्येता, आपके लिए क्या माइंड ब्लोइंग है. खैर, तो ग्रेटर इजराइल आ रहा है, इस समस्त क्षेत्र में शांति, भ्रातृत्व, बंधुता, लैंगिक समानता आ रही है, सुराज आ रहा है, और इसके लिए हम लोग इस क्षेत्र के लोगों को अग्रिम बधाई दे रहे हैं. जय जय सीताराम. आपने महाभारत की बात करी, वो युधिष्ठिर बोलते, युधिष्ठिर बोलते हैं भीम को कि अपना गुस्सा शांत करो, अभी हमको 13 साल वनवास के लिए जाना है. तो बोलते हैं शांत करो, अब हमारी काम में तैयारी करना, 12 साल तैयारी करेंगे. ये सब यहाँ हो गया है, यहाँ पे ये हो गया.
विराट पर्व चल रहा है, दूत भेजे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो जरा विराट पर्व वाला जो मामला है जहां पर दूत भेजे जाने की सारी बात हो रही है दोनों तरफ से, उस पर थोड़ा बात करने बड़ा आनंद आएगा अगले किसी एपिसोड में। यस, उस पर करते हैं हम लोग। और ये जो आपने बिल्कुल बोला कि वो अभी विराट पर्व चल रहा है क्योंकि बाकी सब हो गया है, अभी तैयारी हो चुकी है, सब 13 साल बीत गया है, 13 साल बीत चुका है। और बहुत सारे वॉटर्स भी टेस्ट हो चुका है, कौन कितना पानी में, सब टेस्ट के लिए। तो इंद्रप्रस्थ लेना है तो कहा जा रहा है 5 गांव ही दे दो तो हम मान जाएंगे। और फिर बहुत से अखबार कहेंगे देखो देखो देश के साथ धोखा हो रहा है, 5 गांव पर मानने की बात हो रही है, फिर कुछ तलवार भजेंगे तो टीवी चलेगा, अखबार चलेगा, मैगजीन चलेगा, सेमिनार होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, जनता का मनोरंजन चलते रहना चाहिए। मतलब द बेस्ट शो इज अ जियोपॉलिटिकल शो, वो लाइव शो से बेटर है। तो आप मेरे से वो महाभारत करवा लीजिए, अपने श्रोता लोगों को पूरा अधिकार है 1 लाख पूरा होने पर कि उन लोगों का जी भर के आनंद हो, खून बढ़े, चेहरा चमकने लग जाए, वही किया जाए, 1 लाख की बधाई दी जाए। 1 लाख की बधाई दी जाए। बहुत 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 धन्यवाद आप सब श्रोताओं जो हमारे दर्शक हैं। तभी वो लोग 2 लाख करेंगे अगले साल। अगर आप लोग 2 लाख करने का वादा कीजिए तो ऐसे ऐसे मजेदार बातें बताऊंगी कि आप लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे और गहरी नींद सोएंगे। नहीं, अभी सोइए मत, सब लोग वोट करने भी जाइए प्लीज, अभी सोने का समय नहीं है। हाँ, अभी वोट दे दीजिए, सरकार आ रही है अपनी 400 पार, तो वोट जरूर डालिए। तो ताकि देखिए ये सब जो कुछ हो रहा है ये हरि नाम जाप से हो रहा है, इस बकबक से नहीं हो रहा है। तो हरि नाम जाप, भगवत भक्ति के 9 प्रकार है, 9 भक्ति का भगवान ने उपदेश दिया है, जिसको जो लगे जोर से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, शुरू हो जाइए। तो ठीक है, अब रखती हूँ। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, और हमारे साथ हमारे दूसरे इवेंट्स में भी जुड़िए। तब तक के लिए अगली बार मिलते हैं फिर वापस, और विराट पर्व से शुरू करेंगे अगला शो। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।